जनाब, हम आ गए दुम्बालो सिटी में और यहाँ पे एक नई होटल खुली है सिंध होटल के नाम से। आप देख सकते हैं ये होटल, और इसकी काफ़ी चल रही थी पब्लिसिटी। सो हमने चेक किया कि क्यों ना ऐसा कहाँ का खाना खाया जाए, यहाँ के खाना को एक्सप्लोर किया जाए कि किस तरह का खाना है। तो खाना है, आपका वजीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खाना है आपको। अच्छा, आप लोगों को ये पता सुना होगा कि जो सिंध का खाना होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि जो खाना यहाँ का बनता है ना, वो बनता है प्योर तंदूर में। ये देखें, यहाँ पे प्योर एक तंदूर चल रहा है और यहाँ पे कोई गैस का सीन नहीं है, यहाँ पे कोई गैस का सीन नहीं है, यहाँ पे तंदूर चलता है, यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ चलती हैं और लकड़ी चलती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। लोग जो भी आगे जो आते हैं कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, जो भी हमारे कज़न्स वगैरह आते हैं, तो वो इस खाने को खा के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमारी जो कढ़ाई है तैयार हो गई है, और सच माने चूल्हे के सामने खड़े रहकर उसकी शूट करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी धुएं से हालत टाइट हो गई थी। ये उस्ताद है हमारे बनाने वाले। उस्ताद, अब खाने का पता चलेगा किस तरह का बनाइए आपने। तो ये हमारी कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई हो गई तैयार, अब हा रही है, सब हो रही है, हमें मिल जाएगी। और मेरे साथ है शिराज भाई, मेरे यार समींदार दोस्त, और मेरे साथ है लाहौर के दोस्त अली भाई। अली भाई, अपना मुँह चुकाओ। जी जी सर, ये खाने वाले इंसान ये बैठे हैं, और ये बनाने वाले ये बैठे हैं, और ये देखने वाले बैठे हैं। देखने वाले बैठे हैं, खाना एक्सप्लोर करने। खाना बस तकरीबन डिश हो गया भाईजान, खाना डिश हो गया, आ रहा है। पानी क्यों रखा है? पानी क्यों रखा है? पेड़ भरो पानी पीने आया है माशाल्लाह, और खाने को खींचेगा आज खाने। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था, और नो डाउट के सिंध का खाना किसी से कम नहीं है। भाई सही बात है, सही बोल रहा है। मेरे खुद के टेस्ट बड्स जो है ना, वो इंतज़ार कर रहे थे इस ढाबे के खाने का। लाहौर में बहुत खाया है, लेकिन ये भी एक लेवल का अच्छा है। बेहतरीन हो गया सर।